उमस और गर्मी से राहत आज बरसात होने से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जो लोग खेतों में पानी चलाने का काम कर रहे थे आज उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। ब्यूरो चीफ अश्विनी पांडे की रिपोर्ट, संत कबीर नगर, घनघटा। जनपद के धर्मसिन्हा क्षेत्र के ग्राम इटोवा में सेक्टर प्रभारी यशोदानंद निषाद और बसपा जिलाध्यक्ष धर्मदेव प्रियदर्शी के संयुक्त नेतृत्व में बसपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल धर्मसिन्हा पहुंचा। यहां पहुंचकर बसपाइयों ने आकाशीय बिजली गिरने से दोनों मृतक युवकों के परिजनों को सांत्वना और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। कृष्णानंद पांडे की रिपोर्ट, ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। गिड़ा गोरखपुर में सामुदायिक सहजनवा स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा के अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह और उनके स्टॉप पर जानलेवा हमला करने वाले करीब आधा दर्जन से अधिक हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सहजनवा थाने के बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसके अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है। 8 सितंबर को रात्रि 9 बजे के करीब आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप सभी को बता दें कि बस्ती में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बस्ती जिले में कोरोना से पिछले 48 घंटे में जहां 2 लोगों की मौत हुई वहीं 82 लोग पॉजिटिव भी पाए गए। ब्यूरो चीफ महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, बस्ती, यूपी। हैसर बाजार शिव मंदिर के रास्ते के विवाद को सुलझाने के लिए तहसीलदार घनघटा को विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार महोदय ने हर हाल में रास्ता विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो चीफ अश्विनी कुमार पांडे की रिपोर्ट, संत कबीर नगर। बस्ती में 3 पल्लेदारों को नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रक से रौंद दिया। इसका खुलासा मंगलवार को पुलिस ने किया। घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। आज सुबह पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर गणेश शंकर गोस्वामी और उसके सहयोगी स्कॉर्पियो ड्राइवर रघुवर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो चीफ महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, बस्ती, यूपी। गोरखपुर में SSP जोगेंद्र कुमार के अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत SPCT डॉक्टर कौस्तुभ के प्रवेक्षण सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह के नेतृत्व में SHO सुधीर सिंह को सफलता प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये सफलता प्राप्त की और अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। गोरखपुर में SSP जोगेंद्र कुमार के अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत SP साउथ के प्रवेक्षण में सीओ गोला के नेतृत्व में SHO बड़हलगंज राणा DP सिंह को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ये सफलता प्राप्त की और 10 टॉप अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर, बड़हलगंज। गोरखपुर के SSP जोगेंद्र कुमार के अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत SP नॉर्थ के प्रवेक्षण में CO कैंपियरगंज के नेतृत्व में SO गीड़ा देवेंद्र सिंह और उनकी टीम के चौकी इंचार्ज नौशट दीपक सिंह को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस को यह सफलता मुखबिर की सूचना पर प्राप्त हुई। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे 3 शातिर बदमाश जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के साथ साथ अवैध शराब, 2 तमंचा कारतूस और जायलो कार भी बरामद की है। ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर, गीड़ा। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश सिंह के निर्देश पर बर्धैया चौकी इंचार्ज शैलेंद्र शुक्ला और उनके सहयोगियों ने मिलकर बिना मास्क लगाए वाहन चालकों के 60 गाड़ियों का चालान किया। कृष्णानंद पांडे की रिपोर्ट, ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। गोरखपुर पहुंचा देश का सबसे ताकतवर रेल इंजन, मेक इन इंडिया के तहत तैयार है ये इंजन। सीमांत सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर सदर।